दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका फैक्ट गुरु पर। व्हाट इज एमआरआई स्कैन इन हिंदी? दोस्तों आपने कभी ना कभी एमआरआई स्कैन का नाम तो सुना ही होगा। क्या आपको सच में पता है कि यह एमआरआई स्कैन होता क्या है, एमआरआई स्कैन के दौरान किस तरह की सावधानियां जरूरी हैं और क्या एमआरआई के दौरान जान भी जा सकती है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल में बताने वाले हैं कि एमआरआई आखिर है क्या, एमआरआई स्कैन कराते वक्त किन किन सावधानियों को बरता जाए और एमआरआई किस पद्धति पर कार्य करती है। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप हमारे चैनल फैक्ट गुरु पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रहे बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों एमआरआई स्कैन, इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। आम शब्दों में एमआरआई स्कैन मतलब जिसमें शरीर को एक मशीन के अंदर डालकर पूरी बॉडी का चेकअप किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये एमआरआई स्कैन होता क्या है, इसे करने का तरीका क्या है और इसे करने से पहले किन किन सावधानियों का ध्यान रखा जाता है, क्या एमआरआई स्कैन के दौरान जान भी जा सकती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एमआरआई स्कैन होता क्या है। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और हिंदी में इसे चुंबकीय अनुनाद चित्रण कहते हैं। दोस्तों एमआरआई में पावरफुल मैग्नेटिक रेडियो वेव्स और कंप्यूटर की मदद से आपके शरीर के अंदर की चीजों का फोटो लिया जाता है। यह हमारे शरीर में मौजूद अति सूक्ष्म प्रोटॉन्स को एक साथ मिलाकर उनका फोटो क्लिक करता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर एमआरआई स्कैन क्यों किया जाता है। तो ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि एमआरआई स्कैन की टेक्निक आने के बाद मेडिकल फील्ड में काफी बदलाव हुआ है, क्योंकि इसकी मदद से डॉक्टर शरीर में किसी भी इक्विपमेंट को पहुंचाए बिना अंदरूनी अंगों को काफी सटीकता से देख सकते हैं और उनके बारे में पता लगा सकते हैं। एमआरआई स्कैन रोग और चोट के इलाज में डॉक्टर की मदद करता है और इसी की मदद से ये पता लगाया जाता है कि जिस मरीज की दवाई चल रही है उसके शरीर में फायदा कर रही है या नहीं। जब हम कोई खास काम कर रहे होते हैं तो दिमाग का कौन सा हिस्सा ज्यादा गतिशील रहता है, इस चीज को जानने के लिए भी इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एमआरआई स्कैन की मदद से दिमाग से जुड़ी तकलीफों का भी पता लगाया जा सकता है, जैसे कि मिर्गी और ट्यूमर वगैरह जैसी चीजें एमआरआई स्कैन की मदद से जांच की जा सकती हैं। यहाँ तक कि किसी तकलीफ की वजह से सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो इसी मशीन के सहारे ब्रेन मैपिंग की जाती है। दोस्तों पेशेंट की मेडिकेशन की तरकीब जांचने के लिए भी डॉक्टर एमआरआई स्कैन का इस्तेमाल करते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं एमआरआई स्कैन होता कैसे है। जब भी किसी का एमआरआई स्कैन होता है तो डॉक्टर उसके सभी कपड़े उतरवाकर उसे अपने हॉस्पिटल का एक कपड़ा देते हैं और जब स्कैनिंग होती है तो उससे पहले मरीज के शरीर के सभी मेटल की चीजें निकलवा दी जाती हैं, जैसे घड़ी, चैन, अंगूठी वगैरह वगैरह। असल में दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मान लीजिए आपने कोई ऐसा कपड़ा पहना है जिसमें मेटल लगा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जींस वगैरह में मेटल लगा होता है तो वो एमआरआई मशीन में मौजूद चुंबकीय क्षेत्र में चिपक सकते हैं। ठीक ऐसा ही आपके द्वारा पहने गए गहने या घड़ी वगैरह के साथ भी हो सकता है। अब ऐसा करने के बाद उस मरीज को एमआरआई स्कैन की टेबल पर लिटाया जाता है और फिर उसे अच्छी तरह से उस टेबल में सेट करके मशीन के अंदर भेज दिया जाता है। इसके बाद मशीन शक्तिशाली मैग्नेट रेडियो एक्टिव वेव्स और कंप्यूटर की मदद से मरीज की शरीर के अंदर की तस्वीरें लेती हैं, जो कि इंसान की बॉडी में मौजूद छोटे छोटे प्रोटॉन्स की मदद से होता है। स्कैनिंग के दौरान ली गई तस्वीरों को देखकर ही डॉक्टर पता लगा सकते हैं कि इंसान के शरीर में किस तरह की तकलीफ है। अगर आसान भाषा में बताएं कि हमारा स्कैन क्या होता है तो दोस्तों यह एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे शरीर के अंदरूनी भागों का फोटो लेती है, जो हमारे शरीर में मौजूद छोटी से छोटी चीज का पता बड़ी आसानी से लगा लेती है और इसके द्वारा ली गई तस्वीरों से ही डॉक्टर ये बात समझ पाते हैं कि इंसान के शरीर में तकलीफ है या नहीं। अब बात आती है कि इसमें कैसी कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहली चीज है तो प्रेग्नेंट महिला को अपने डॉक्टर से ये बताना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि एमआरआई स्कैन से निकलने वाली रेडियो एक्टिव चुंबकीय वेव प्रेग्नेंट महिला के पेट में पल रहे बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती है। और ये भी जरूरी नहीं कि पूरे शरीर का एमआरआई स्कैन कराया जाए, क्योंकि जिस जगह पर आपको चोट लगी है या फिर जिस जगह पर दर्द या बीमारी है आप केवल उस जगह का एमआरआई स्कैन करवा सकते हैं। यानी कि साफ तौर पर अगर ये कहें कि अगर आप चाहें तो आप अपने शरीर के किसी भी एक अंग का एमआरआई करवा सकते हैं, फिर चाहे वो ब्रेन हो, हड्डी हो या फिर कुछ और।
अगर आप हमसे पूछें तो हम यही कहेंगे कि पूरे शरीर का MRI स्कैन करवाना ही अच्छा होता है, क्योंकि क्या पता आपको कोई दूसरी बीमारी हो जिसके ना ही कोई लक्षण हो और जिसे डॉक्टर भी ऐसे नहीं पकड़ पा रहे हो, तो इस MRI स्कैन से उस दूसरी बीमारी का बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं MRI स्कैन के समय आपके दिमाग में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए या MRI स्कैन करवाते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जब आप MRI स्कैन करवाएं तो उस समय अपने आप से जुड़ी हर जानकारी डॉक्टर को दे दें, जैसा कि कहीं पर आपने टैटू बनवाया हुआ है या फिर आपने दांत या कान में किसी तरह की कोई चीज, खासकर मेटल, डलवाई हुई है। आपको पहले ही डॉक्टर को बता देना चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको किसी एक्सीडेंट या चोट के दौरान आपके शरीर में लोहे या मेटल की कोई चीज लगाई गई हो तो उसके बारे में भी डॉक्टर को पता होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी है या आपने किसी प्रकार की सर्जरी करवा रखी है तो उसके बारे में भी डॉक्टर को जरूर बता दें। यानी कि आपके शरीर से जुड़ी जितनी भी जानकारी है MRI स्कैन से पहले आप अपने डॉक्टर को जरूर से जरूर बताएं, ताकि उन्हें मालूम हो कि आपके शरीर में कौन सी चीज कहां पर और किस तरह से हो रही है। दोस्तों, आपको MRI स्कैन के 4 घंटे पहले कुछ भी खाने या पीने से मना किया जा सकता है, और कभी कभी आपको पहले से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीने के लिए भी कहा जा सकता है। इस टेस्ट में कोई दर्द तो नहीं होता, लेकिन अगर कॉन्ट्रास्ट की जरूरत होती है तो हल्का सा दर्द हो सकता है। पूरी टेस्ट में आपको 30 से 90 मिनट तक का वक्त लगता है। आपको बता दें कि MRI स्कैन के दौरान आपके शरीर में जो अलग अलग तरह की तरंगें पड़ती हैं, उनसे बहुत शोर होता है, इसलिए उसको ब्लॉक करने के लिए आपके कानों पर हेडफोन लगा होता है। इस हेडफोन में या तो म्यूजिक बज रहा होता है या तो सारी आवाज इसके जरिए ब्लॉक की जाती है। अब बात करते हैं कि MRI स्कैन में कितना खर्च आता है। MRI स्कैन करवाने में 1500 से 2500 तक का खर्चा हो सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि MRI स्कैन कराने का खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि किस अंग का MRI करवाना है। अलग अलग अंगों का स्कैन करवाने का खर्चा अलग अलग होता है, और ये भी जानना जरूरी है कि अलग अलग शहरों के अस्पतालों में इसकी कीमत अलग अलग हो सकती है। इस वीडियो के जरिए हमें पूरा यकीन है कि आपको MRI स्कैन के बारे में सब कुछ विस्तार से पता चल गया होगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना है और आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।